हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट हम स्मार्ट स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के बारे में। इससे पहले काफ़ी स्टेट्स मैंने कवर कर लिए हैं, वो आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में जाके मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड की जो लोकेशन है वो हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है झारखंड। तो झारखंड बना था 2000 में, इसे बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और ये काफ़ी ज़्यादा आदिवासी लोगों ने स्ट्रगल किया था, उसके बाद जाके कहीं झारखंड बना था। अब अगर हम बात करें झारखंड के स्टेट बॉर्डर की, तो इसका जो स्टेट बॉर्डर है वो 5 स्टेट से टच होता है। इसका कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की नहीं है, किसी भी दूसरी कंट्री से टच नहीं होता ये। तो इसके जो स्टेट बॉर्डर हैं वो हैं बिहार, आप देख सकते हैं नॉर्थ में बिहार है, वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, साउथ में है उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मैंने इनके नाम नोट कर दिए हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसे आप नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो ये 28वां राज्य है, इसका जो एरिया है 28,833 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो कैपिटल है वो है रांची। रांची को आप ऐसे भी जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी जी रांची के रहने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो 2/5 जो पॉपुलेशन है वो ST है, और जो यहाँ पे मेन अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे संथल ट्राइब्स हैं, और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जो झारखंड है, यहाँ का जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फिजिकल फीचर है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड से रिलेटेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये एक डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ की हिस्ट्री की। तो ये 1765 में ब्रिटिश रूल उस टाइम पे था, 1765 में इंडिया जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, ब्रिटिश साम्राज्य था इंडिया में। तो 1765 में, उस टाइम पे ये बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो बिहार में 1765 में ब्रिटिश रूल लागू हो गया था। तो उस तरीके से झारखंड भी उस टाइम पे 1765 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए, बहुत सारे जो आंदोलन उनके खिलाफ इरप्ट हुए। तो वो छोटा नागपुर से, जो नागपुर है छोटा नागपुर, वहाँ से स्टार्ट हुए। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं दो आपको नाम इसके नोट करा देती हूँ। पहला है हो रिवॉल्ट, जो कि 1820 से 27 के बीच में था, 1827, और दूसरा है मुंडा अपराइजिंग, ये 1831 से लेके 32 तक चला था। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, दो इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट है, हो रिवॉल्ट और मुंडा अपराइजिंग। अब अगर बात करें यहाँ की प्लांट लाइफ की, यानी कि यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, प्लांट लाइफ कैसी है, तो यहाँ का जो 1/4 एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है, और जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो हैं साल, असान, महुआ, बनियान यानी कि बरगद का पेड़, पीपल, तो ये सारे हैं। तो इसमें से जो असान है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसलिए भी फेमस है कि क्योंकि इसकी जो असान की जो पत्तियाँ होती है वो जो सिल्क वर्म होता है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से एक तरह सेरिकल्चर इंडस्ट्री जो है, यानी कि जो जिसमें सिल्क वर्म का जो सेरिकल्चर इंडस्ट्री है वो सिल्क वर्म से रिलेटेड होती है। तो जो असान है वो सेरिकल्चर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया महुआ है, बनियान है, पीपल है। अब अगर बात की जाए यहाँ की भाषाओं की, तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं, मैंने इसको नोट कर लिया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, उर्दू और द्रविड़ियन। तो जो मैथिली है ये बिहार में भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बिहार में भी बोली जाती है, और हिंदी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ही। तो आप ये जो कुछ लैंग्वेजेज हैं यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है, इसको इसके नाम नोट कर लीजिए, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, उर्दू और द्रविड़ियन। अब अगर बात की जाए यहाँ के ट्राइब्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्राइब्स हैं इन लोगों ने आंदोलन किया था, बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए। और यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो उनकी जो मात्रा है, उन ट्राइबल जो लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ के जो मेन ट्राइब हैं वो है संथल, मुंडा, खड़िया और हो ट्राइब। इनके आप नाम नोट कर लीजिए, संथल, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संथल, मुंडा, खड़िया और हो ट्राइब। तो यहाँ पे अगर हम रिलीजियस मेजोरिटी की बात करें, तो यहाँ पे जो हिंदू हैं वो बहुतायत में है।
अब अगर यहाँ के इम्पोर्टेंट जो नृत्य हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पे जो छाऊ डांस है वो काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा सरायकेला डांस है, ये दोनों डांस फेमस हैं, इसको नोट कर लीजिए, छाऊ और सरायकेला। अब अगर बात की जाए यहाँ के फेस्टिवल की, यहाँ पे जो पर्व मनाए जाते हैं, हर स्टेट की ये एक अपने आप में एक खासियत होती है, और कहीं ना कहीं वही एक जो संस्कृति है वो उसी संस्कृति, इन सारे स्टेट्स की संस्कृति से मिलके ही हमारा जो भारत है वो, उसका जो कल्चर है वो इतना रिच है, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक अलग अलग कल्चर है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम बहा पर्व भी बोलते हैं, इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा होता है कैटल फेस्टिवल, इसे बोलते हैं सोहारी, यानी कि जो पशु होते हैं उनका फेस्टिवल होता है उसे बोलते हैं सोहारी। इसके अलावा होता है मेज पर्व, तो ये होता है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि जब फसल कट जाती है उसके बाद जो फेस्टिवल होता है उसे हम बोलते हैं मेज पर्व। तो ये तीन फेमस यहाँ के फेस्टिवल हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहा पर्व फूलों का फेस्टिवल, सोहारी कैटल फेस्टिवल, और मेज पर्व जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब आते हैं झारखंड के रिसोर्सेज के बारे में बात अगर की जाए, तो यहाँ पे कॉपर, काइनाइट जो होता है वो हीट रेसिस्टेंट जो पोर्सिलिन होता है उसको, उसका मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। तो कॉपर है, काइनाइट है, पायराइट, फास्फोरस, बॉक्साइट, आयरन ओर, और जो कोयला है, कोयले की वजह से झारखंड को जाना जाता है। आप ये समझ लीजिए यहाँ का जो मेन जो कोल फील्ड है वो दामोदर रिवर वैली में है, जो कि ईस्टर्न झारखंड में, और इसी से इंडिया के लगभग आप समझ लीजिए जो मेजॉरिटी जो कोल सप्लाई होती है, यानी कि जो कोकिंग कोल होता है वो यहीं से जाता है, झारखंड से ही जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। इन झारखंड की माउंटेन रेंज की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पारसनाथ रेंज, जो कि ईस्टर्न एंड, छोटा नागपुर जो पठार है उसके ईस्टर्न एंड में ये लोकेटेड है, और ये आता है गिरदीय डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ पे ये है। और इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ इसलिए पड़ा ये क्योंकि ये जो 23वें तीर्थंकर थे लॉर्ड पार्श्वनाथ, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है पारसनाथ। तो पारसनाथ रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप नोट कर लीजिए, झारखंड की जो फेमस माउंटेन रेंज है वो है पारसनाथ रेंज। अब अगर बात करें झारखंड की नदियों की, तो यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं मैंने आप यहाँ पे नाम लिख दिए हैं सबके, वो है नॉर्थ कारो रिवर, साउथ कारो रिवर, दामोदर नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, ब्रह्मानी नदी और सकरी नदी। तो इसमें से जो नॉर्थ कारो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है रांची प्लेट्यू, यानी कि रांची पठार से। जो साउथ कारो रिवर है वो होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, यानी कि छोटा नागपुर पठार से। दामोदर रिवर है वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। जो सोन रिवर है वो अमरकंटक से आती है। तो आप ये सारे नाम जो मैं बोल रही हूँ आप इसको नोट कर लीजिएगा, सोन रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो है अमरकंटक, स्वर्णरेखा जो रिवर है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। इसके अलावा जो अजय रिवर है, अजय नदी है, वो मुंगेर से उसका ओरिजिनेशन है। इसके अलावा जो ब्रह्मानी है वो दुधवा हिल से आती है, और जो सकरी है वो नदन छोटा नागपुर प्लेट्यू से आती है। तो ये सारे आप स्लाइड को पॉज करके इसको आप, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो नॉर्थ कारो रिवर है वो है रांची प्लेट्यू, साउथ कारो छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू, सोन अमरकंटक, स्वर्णरेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू, अजय मुंगेर, ब्रह्मानी दुधवा हिल, सकरी नौदन छोटा नागपुर। तो ये सारे नाम आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बेतला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाला मऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ये एक बर्ड सेंचुरी है, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पारसनाथ मैंने आपको बताया था एक हिल रेंज भी है। इसके अलावा हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसके नाम नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें यहाँ के स्टेट एनिमल की, तो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है, झारखंड का स्टेट एनिमल वो है इंडियन एलिफेंट। झारखंड की जो स्टेट बर्ड है उसे एशियन कोयल बोले थे, कोयल जैसे आप सब जानते हैं कोयल की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो यहाँ का जो स्टेट बर्ड है वो है एशियन कोयल। तो ये था दोस्तों झारखंड के बारे में, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो वो भी मुझे आप
कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा। मैं जितना पॉसिबल होगा मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।